नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय सुदूर देहात में हूं और बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि जो हैदराबाद में चार आरोपियों का जो इनकाउंटर हुआ है, मीडिया इस तरह से नहीं कहेगी, मैं आरोपी कहता हूं, इस देश में एक लीगल सिस्टम है, उनका इनकाउंटर कर दिया गया है, उन चारों की मौत हो गई है। उन्नाव में कल जिस तरह से 5 आरोपियों ने रेप पीड़ित विक्टिम को आग लगा दिया, उसमें पांचों के पांचों जो हैं उनका नाम बता दूंगा, त्रिवेदी चतुर्वेदी शर्मा वर्मा है, समझ लीजिए इस तरह से नाम है, सुधांशु और ये सब। तो जिस तरह से हैदराबाद में रेप के आरोपियों के नाम सामने आए थे, तो जब मुसलमान आरोपी आ जाता है तो इस तरह की बातें थी कि फांसी। और पूरे देश में मीडिया के जरिए जिस तरह से मैं सुबह देख रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इनकाउंटर को, तो एक लीगल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि जिनके साथ ये घटना हुई है उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, और अगर इसी तरह से न्याय हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ये सबके साथ हो, उन्नाव के क्या उन आरोपियों का भी इनकाउंटर होगा। इस देश में सबसे ज़्यादा जो हैरेसमेंट, जो विक्टिम समाज है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी है, क्या उसको न्याय मिल पाएगा? लेकिन इसके बड़े खतरे भी होंगे जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो त्वरित न्याय जिसको कहा जा रहा है, मीडिया जिसको महिमामंडित कर रही है हैदराबाद में, अगर वो सही है, अगर ये तरीका सही है, तो क्या ये सब जगह इम्प्लीमेंट होगा? उन्नाव में कल यही हुआ है, एक बच्ची जिसका 3 महीने बाद FIR दर्ज किया गया था, क्योंकि वो बहुजन समाज से थी, OBC की समाज से थी, और जो आरोपी थे वो जनरल कैटेगरी के, जो इस देश में जो रूलिंग कास्ट है, पावरफुल लोग हैं, वो थे। अब मुझे जातिवाद आके मत समझाइएगा, नहीं तो मुंह नोच लूँगा। वो तमाम लोग, अगर इस देश में जुडिशियरी फेल है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस देश में ब्यूरोक्रेसी फेल है तो कौन जिम्मेदार है? इस देश में मीडिया फेल है तो कौन जिम्मेदार है? इस देश में न्याय प्रक्रिया इतना डिले है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इस देश में विक्टिम कौन है, न्याय प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है, किसको द्वयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जा रहा है? और पूरे देश को क्या पूछना चाहिए कि क्या जो उन्नाव की पीड़ित हैं उसको भी न्याय मिलेगा इसी तरह से, और क्या उन 5 लोगों को भी, जो जाति विशेष के लोग हैं, जो पावर सेंटर्स में बैठे हुए हैं, जो धर्म विशेष के लोग हैं, क्या उनको भी इसी तरह से सजा दी जाएगी? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो उन्नाव हो चाहे हैदराबाद हो, मुझे लगता है कि हमें लीगल सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। अगर ये रहा तो आप समझिए कल किसी को भी पुलिस मार देगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, रेप जैसा जो घृणित अपराध है उसमें किसी को भी मर्सी नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, हर अपराध में सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, NCRB के आंकड़े है, जो NCRB जो कि सरकार की संस्था है, क्राइम रिपोर्ट्स है, उसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का शोषण होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और वो सबसे बड़ी विक्टिम है। मैनपुरी में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उसके भाई ने विरोध किया, उसके घर में फांसी लगा दी गई, जाके फांसी दे दी गई है। तो सवाल है कि क्या ये त्वरित न्याय वहाँ दिखेगा? मुझे लगता है कि नहीं दिखेगा, और बहुजन समाज को सचेत रहने की ज़रूरत है। आपसे इस तरह के बदले भी लिए जा सकते हैं और आपको इस तरह से शिकार भी बनाया जा सकता है। बहुजन समाज के तमाम एक्टिविस्ट हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है, आपका एनकाउंटर किया जा सकता है। तो भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है, जो लीगल सिस्टम है, जहाँ जहाँ डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ इस तरह के बड़े खतरे हैं। तो सोच समझकर आप लोग इस पर ताली पीटिए, सोच समझकर जो हैदराबाद में हुआ है, क्योंकि आपको सचेत रहना पड़ेगा और सवाल उठाते रहने पड़ेंगे कि क्या जो हैदराबाद में किया गया है, अच्छा पुलिस को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? पुलिस क्यों कह रही है कि हमने भाग रहे थे तो हमने मार दिया, ये बहाना है? अगर ये देश चाहता है, इस देश की जनता चाहती है कि इसी तरह से न्याय हो, तो मैं भी उसके साथ हूँ, मैं इस देश से बाहर नहीं हूँ। लेकिन क्या, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह के न्याय भी जाति और मजहब देख के होगा? विक्टिम की भी जाति देखी जाएगी, आरोपी की भी जाति देखी जाएगी, पीड़ित की भी जाति देखी जाएगी। अगर पीड़ित विक्टिम समाज से है और वो SC ST OBC माइनॉरिटी है तो उसका FIR नहीं दर्ज होगा, और अगर पीड़ित जो है वो जनरल कैटेगरी से है तो क्या उसका, उसके आरोपियों को मार दिया जाएगा? तो अगर ऐसा नहीं है तो ये UP पुलिस साबित करे कि उन्नाव में जिन लोगों ने बच्ची को जलाया है किरोसिन डाल के, उन 5 का भी एनकाउंटर होना चाहिए। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, पुलिस के एनकाउंटर में जब कोई जनरल वाला मरता है तो उसको करोड़ों का तोहफा मिलता है, और SC ST OBC के लोग तो सरेआम मार दिए जाते हैं।
तो ये कुछ सवाल है, इसलिए मैं बहुजन समाज को सचेत कर रहा हूँ कि हमें संविधान, आईपीसी, तमाम चीज़ों पर बने रहना चाहिए। संविधान बहुत सर्वोपरि है, लेकिन ये सवाल उठता है कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, लीगल सिस्टम, पुलिसिया व्यवस्था में कौन लोग बैठे हुए हैं जो न्याय को रोकते रहते हैं, कभी जाति के आधार पर, कभी मज़हब के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, और क्या जो हैदराबाद में हुआ है वो उन्नाव में होगा, उसी तरह से न्याय किया जाएगा जैसे गोली मार के किया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आरोपी थे और फास्ट ट्रायल करके 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में इनको सजा दीजिए। और जो पुलिस, अगर आप इस देश की जनता सहमत है कि नहीं गोली मारी जाए, तो क्या सबको मारी जाए या नहीं मारी जाए, या उसमें जाति देखी जाए, मजहब देखी जाए, अगर ये आप लोग की क्या राय है, मुझे इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। मेरी निजी राय है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, और एक कहावत है कि भले 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा ना हो, तो मैं उसके पक्ष में हूँ, लीगल सिस्टम के पक्ष में हूँ। और जिस तरह से त्वरित न्याय हुआ है, अगर यही व्यवस्था आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो ये व्यवस्था सबके साथ लागू हो और इसको कौन सिक्योर किया जाए। और ताज़ा उदाहरण है, अभी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, जो हैदराबाद में पुलिस ने किया है वो यूपी पुलिस उन्नाव में करके दिखाएगी क्या, इस पर आप लोग नज़र रखिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइए। मुझे फिर लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा महिलाओं का मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर शोषण होता है, घर में भी शोषण होता है, घर के बाहर भी शोषण होता है। और पीड़ित कौन है, शोषित कौन है, सोचिए, रोज़ इस तरह की रेप की घटनाएं होती हैं, और हमारी तो आवाज़ भी उठाने वाला कोई नहीं, ना हमारे पास अखबार है, ना टीवी है, ना मीडिया है, लेकिन जो भी विक्टिम है हम सबके साथ खड़े हैं, जो भी आरोपी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ है, गोली मारी गई, क्या उन्नाव में उसको दोहराया जा सकता है, और नहीं दोहराया जा सकता है तो क्यों नहीं दोहराया जा सकता है, इसकी वजह क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि सज़ा यहाँ, फैसला यहाँ, दोषी, आरोपी, खबरें सब जाति और मजहब देख के तय होती है, आप हमें ज़रूर बताइए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोषी कोई भी हो, आरोपी जो है उसका ट्रायल हो, दोषी को सज़ा मिले। और अगर हैदराबाद ही ट्रेंड सेटर है, हैदराबाद के रास्ते पर देश को आगे बढ़ना है, तो ये त्वरित न्याय हर मामले में हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। आप सबका शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।